दिल्ली में नहीं होंगे एमसीडी मेयर चुनाव। फिर टला दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव। किसने लगाया अड़ंगा, कौन है वजह? ये प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली की हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर और बैनर लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। दरअसल पेच यहां फंसा कि चुनाव के लिए किसी भी पीठासीन अधिकारी को नियुक्त ही नहीं किया गया, जबकि पहले तय किया गया था कि 26 अप्रैल को दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने चुनाव आयोग से परमिशन भी मांगी थी। चुनाव आयोग से अनुमति तो मिल गई, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण मामला फंस गया, जिसके बाद चुनाव को टलने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और एलजी को इसका जिम्मेदार ठहराया। कल उस फाइल में जो एलजी साहब ने जवाब लिखा, उनका कहना है कि उनके पास कोई पावर नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करने की, चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सलाह के बिना। अब सवाल है कि आखिर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? एलजी ऑफिस की तरफ से नोट में इसके लिए सीएम कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एलजी नोट में कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी के नाम के सुझाव के लिए चीफ सेक्रेटरी ने फाइल सीएम ऑफिस को भेजी थी। वहीं 22 अप्रैल को सीएम ऑफिस ने फाइल ये कहकर वापस कर दी कि सीएम जुडिशियल कस्टडी में है, इसलिए वो इस मामले में कोई सुझाव नहीं दे सकते। सामान्य तौर पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव सीएम ही देते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, यानी जेल के अंदर हैं। ऐसे में कानूनी बाध्यता की वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव स्थगित होने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अब चुनाव कब होंगे, तब तक निगम में काम कैसे चलेगा? ऐसे में खबर है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बने रहेंगे और निगम के कामकाज चलाते रहेंगे। वही नियमों के अनुसार पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव की फाइल शहरी विकास मंत्री से मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री से एलजी के पास जाती है। ऐसे में जब तक फाइल पर मुख्यमंत्री की अनुशंसा मिलने का रास्ता साफ नहीं होता है, तब तक चुनाव होने की संभावना भी कम ही है। फिलहाल ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।